देर की यार, एक सपना आया था मुझे, इतना कॉमेडी सपना मुझे अभी भी हंसने आ रहा है मैं लिटरली नींद से उठ के हंस रहा था। मैं लोकल ट्रेन में बैठा था, तो ट्रेन चलते चलते ट्रैक से अलग हो जाता है, सब लोग डर जाते हैं। तो फिर ट्रेन का ड्राइवर मेरे पास आता है और कहता है तुम्हारी वजह से हुआ क्या संबंध मेरे वजह से होने के, कुछ भी आता है भाई। नहाने का वक्त हो गया है, समझ में दो टाइम नहाए बिना तो भाई मन ही नहीं करता बाहर जाने का, तो नहाएंगे और शायद बाहर जाते आज। बहुत लोग आजकल ऐसे सोचते कि ये क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, जब पर यूट्यूब पे आ जाता है ना तो फिर कहते हैं हाँ यार अच्छा बन रहा है। तो होता है ऐसे, ये सब होते रहेगा जब तक थोड़ा नाम नहीं हो जाता, क्योंकि जिसका नाम होता है उसके साथ वीडियो बनाने में मजा आता है, और जिसका नाम नहीं रहता है उसको तो टोकेंगे। एक तरफ से मुझे अभी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना है और दूसरी तरफ से मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं, एक ही दिन पे दो चीजें, पता नहीं कैसे होने वाला है। कल तो छुट्टी है, कल के दिन बैठ के प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद परसों के दिन। दादाजी के विस्की बोतल के चक्कर में देखो क्या हो गया मुझे, हाथ पे छाले पड़ गए। अब वो बोतल का कैप था टाइट, मुझे बोले हीरो यहाँ पे ये खोल। अब हीरो बोलने के बाद तो हीरो वाली बात होनी चाहिए, तो मैंने अपने हाथ के वाट लगा लिया। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू गाइस डूइंग, होप सब सही है। मेरा भी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि अब भी फाइनली जाके गाड़ी हम सर्विसिंग दे रहे हैं। देने के बाद माले से जो ओरिजिनल साइलेंसर है बुलेट का वो निकालना है, और ओरिजिनल हैंडल है वो निकालना है, वो निकाल के उसको लगाना है और सर्विसिंग करके फिर वापस लाना है। चलो देखते हैं, अभी एक गाड़ी लेके ड्रॉप करेंगे वहां पे, तो वापस आते वक्त दूसरी गाड़ी नहीं रहेगी, इसलिए मुझे स्कूटी भी लेके जाना पड़ेगा। दो गाड़ी एक साथ नहीं लेके जा सकते, इसलिए दोस्त आ रहा है मेरा, तो दोस्त आने के बाद दोनों हम लोग साथ में मिलके जाएंगे, फिर आते वक्त दोनों एक साथ आएंगे। अभी यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए जो कि यहाँ पड़ा है। एक घंटा ढूंढा, फिर मम्मी बता रही है कि टेरिस पे। फाइनली स्कूटी के सामने रख दी है, अब ये स्कूटी चलाएगा आतिश और मैं चलाऊंगा बुलेट। तो अब चलना है, तेरी एक्टिवा है ले ले, अंदर है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow. Usme handle aur silencer dono hai, handle bhi dalna hai kya? Ha, handle apna original wala dalne ka, ye original wala nahi hai handle. Ale pakad aur ye nikal dalo, ye fake dalo, ye kharab ho gaya, ye nikal dalne ka. Ha, ye fake dalo aur ye jo hai na, ये जैसे था वो ओरिजिनल वाले को लगा दो सिर्फ। और इसका जो वायर है ना वो यहाँ पे किधर तो अटैच है, यहाँ पे शायद सॉकेट से निकल जाता है। हाँ, उसको अच्छे से पट्टी वगैरह कर दो, बाकी ब्रेक्स क्लच अपना चेन्स पॉकेट और साइलेंसर ऑयलिंग वगैरह इसका कुछ जुगाड़ कर सकते क्या? ये है ना निकल गया है पूरा, ये ऐसे तो इसका कुछ जुगाड़ होगा क्या? क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, ये मेन निकलना चाहिए, ये निकला ना तो पट्टी है ना, इसको वेल्डिंग मार के लेना पड़ेगा। इसको वेल्डिंग हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं पकड़ेगा। हाँ, ये पट्टी सड़ गया ना। अच्छा। ये निकला तो नसीब, वो क्या है निकल के डायरेक्ट नवाई डाल देने। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर फिलहाल तो रहने देते ही है, फिर बाकी का देखते हैं। और बाकी ये एक बल्ब शायद नहीं जल रहा, छोटा लाइट ये ना। हाँ देखो एक बार, ये वाला है क्या? ये वाला है, ये वाला नहीं जल रहा है ना, छोटा वाला बल्ब, वो एक नया डाल दो, ये वाला चलेगा। पहले कौन सा ऑयल डालते थे? ऑयल मेरे को नहीं पता, वो बुलेट सर्विसिंग वाले कौन सा डालते थे, शायद कैस्टर ऑयल ही डालते थे। कौन सा ये? मोटर। अच्छा है ना ये वाला? अच्छा, ये 15W50 बैठता है इसको। अच्छा, 9 लीटर का। अच्छा ये डाल दो,
चलेगा। बाकी एकदम ये चेन वगैरह भी शायद से आवाज आ रहा है, उसको ऑयलिंग करो, फिर भी नहीं हुआ तो थोड़ा उसका कुछ ये कर दो। वॉशिंग वॉशिंग हो जाए, हो जाएगा ना। ठीक है फिर मैं कितने बजे आऊँ? अपना काम हो गया, अभी घर जाएंगे और शाम को लेके आके फिर देखेंगे गाड़ी बनते हुए चकाचक। और भाई किधर जा रहे? मुंबई स्कूटी पे? क्यों भाई काम धंधा छोड़ दिए क्या? चल भाई अब बस शाम तक वेट करना है, शाम जैसे हो जाएगा वैसे हम ले लेंगे। गाड़ी को चमकते हुए देखने का मजा ही अलग है भाई, क्योंकि 3 महीने हो चुके, 3 मैं गाड़ी को ना ठीक से चला रहा हूँ, ना गाड़ी को मैं धो रहा हूँ, ना गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा हूँ। मेरे घर वाले बोल बोल के थक गए कि कब दे रहा कब, वही सब चीजें। यार ये GoPro के इतने सारे एक्सटेंशन है, इसको निकालने का एक तकलीफ, इसको संभालने का एक तकलीफ, उसके बाद इसको वापस से ढूंढने का एक तकलीफ। निकाल के तो रख देते, यहाँ वहां रख देंगे तो भाई मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं इसके बॉक्स में ही रख देता हूँ, फिर वापस इधर ही से हम उठा सकते। एक तो यहाँ पड़ा था इसको ले लेते, इसको भी अंदर रख देंगे, फिर वापस सीसी में मिल जाएगा। वरना भाई अभी मैं 1 घंटा इसी के लिए टाइम पास किया। सब कुछ पैक कर लिया और ये बाहर रह गया, अब वापस खोलो। यार व्लॉग्स बनाने के लिए ना सिर्फ एक ही बंदा काफी नहीं होता है। जैसे कि मुझे कुछ अगर कुछ कॉन्वर्सेशन करना है किसी के साथ तो दूसरा बंदा भी तो होना चाहिए। तो दिन में मैं ऐसे नहीं कि मैं अकेला ही होता हूँ, मेरे घर वाले तो होते हैं, पर घर वाले ये सब चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व नहीं करना था क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत अनकम्फर्टेबल लगते हैं, तो मुझे ही ये सब चीज़ें करना। तो फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ तो मुझे है ना ये सोचना पड़ता है कि जो भी कॉन्वर्सेशन करना है सिर्फ आपके साथ करना है, बाकी कोई होता तो उनके साथ का कॉन्वर्सेशन भी सुनने के लिए आपको अच्छा लगता। पर अभी ये सारी चीज़ें भी होंगी जब मैं पुणे शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि पुणे शिफ्ट होऊंगा तो अकेले नहीं रहूंगा, और रहूंगा तो किसी के साथ रहूंगा, तो वो कौन है वो तो सस्पेंस है, वो तो देखा जाएगा। पर हाँ अभी फिलहाल के लिए अकेले में ही हम बात करेंगे। वैसे मुझे बहुत सोने की आदत पड़ी है दोपहर में, पता नहीं कैसे होगा जब जॉब पे जाऊंगा तो, काम करते करते दोपहर में वैसे ही लुढ़क जाऊंगा शायद, पता नहीं। मुझे आदत छोड़ना है, पर यार खाना खा रहे ही मुझे ऐसी जोर की नींद आती है ना, तो 1-2 घंटा नींद तो सोना तो पड़ेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ऐसे मुंह बोझते बोझते बोलूंगा। तो गाइस ये है ममाअर्थ, और ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है, ये वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लो ममाअर्थ कर दिया, तुम्हारा फुकट प्रमोशन आएगा, वो भी दिन नजदीक आएगा, हार नहीं मानना। गाड़ी लेके आ गए अभी, इट्स टाइम फॉर स्लो मोशन शॉट्स। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning, I'm just thinking about your eye, just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. जब मैं एक मंदिर गया था तभी लगवाया था, ये पुराने हैंडल को था, ये वापस चेंज किए थे आज हैंडल, तो ये वो हैंडल से लेके वापस आज समीर भाई ने इसको लगाया, तो बहुत सही है क्योंकि मुझे लगा नहीं था ये भी मिलेगा वापस। चलो अब ये पुराना वाला तो रख देंगे, पर ये सब चक्कर में एक चीज भूल गया मैं, गाड़ी के मिरर्स लगवाने थे वो तो लगवाए नहीं, अब उसको अलग से फिर वापस लगवाना पड़ेगा। तो गाइस अभी एडिटिंग हो चुका है, इसको रेंडर कर रहा हूँ, रेंडर होने के बाद फिर नहा लूंगा मैं, नहा के फिर उसको बाद में एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दूंगा, अभी फिलहाल मुझे फ्रेश होना है। मुझे हाँ नहाने से ये याद आया कि मैं जिम 2 महीने से नहीं गया हूँ क्योंकि मेरा अभी तक शोल्डर का इंजरी ठीक नहीं हुआ है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा फील हो रहा है, फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना था इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। शायद जब मैं पुणे जाऊंगा तभी से ही शुरू हो जाएगा मेरा जिम, और तब मैं जिम के भी व्लॉग्स करूंगा क्योंकि मुझे पता वो आपको बहुत पसंद आने वाले, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बहुत लोग बोलते हैं कि तू उतरता तो जल्दी से है पर पिकअप भी बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, तेरा डाइट एंड ऑल वो सब कुछ दिखा हमको बता, तो बहुत लोग पूछते हैं मुझे कैसे ये हो पाता है, तो वो सारी चीजें मैं उसमें कवर करूंगा। मुझे अभी पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, कल एग्जाम है मेरा, और ऊपर से मेरा इंटरव्यू की भी तैयारी आ रही है, भी भूल गया था मैं, और तो और व्लॉगिंग एडिटिंग बहुत कुछ एक साथ टास्क भाई। चलो ठीक है देखते हैं। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और
हर रोज रात को मैं यहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करता हूँ, जो मेरे बचपन से मेरे दोस्त थे, जो अभी स्प्लिट हुए हैं, जो अभी एक टाउन में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। हर रोज़ हम लोग कॉल पे बात करते हैं आधा घंटा एक घंटा, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट अपने आप को देता हूँ यहाँ पे, फिर कल के बारे में सोचता हूँ कि कल सुबह उठ के क्या करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, कैसे ये कल के दिन क्या क्या चीज़ें करना है वो सब सोचता हूँ। तो सोचा ये चीज़ भी आपको बताऊँ, फिर उसके बाद मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes.